जनजाति गौरव दिवस पर आज संभागायुक्त श्री बी चंद्रशेखर ने आज कमिश्नर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बकरी के स्टरलाइज्ड दूध के विक्रय का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपक्रम जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दूध सहकारी समितियों के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में संभागायुक्त ने कहा कि कई औषधीय एवं पौष्टिक तत्वों से भरपूर बकरी का स्टरलाइज्ड दूध इम्यूनिटी बूस्ट का काम करेगा। साथ ही में उन्होंने कहा कि सांची नाम से मशहूर जबलपुर दूध संघ के उत्पादन में अब बकरी का स्टरलाइज्ड दूध भी शामिल हो गया है। समागायुक्त ने नागरिकों से बकरी के दूध को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करते हुए कहा है कि दूध संघ के पार्लरों पर इसके वितरण की शुरुआत से बकरी पालकों की भी आय बढ़ेगी। और कार्यक्रम में मौजूद जबलपुर दूध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि बकरी का स्टरलाइज्ड दूध 200 मिली की बॉटल में अधिकतम 30 रुपए की दर से सांची पार्लर पर उपलब्ध होगा। आपको पता ही है कि सांची एक बड़ा नाम है यहाँ दूध और दूध के जो उत्पाद है उसके लिए, न केवल प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर भी जाता है। और हम नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें बकरी का दूध, जिसमें कई औषधीय गुण शामिल हैं, और अब उसको प्रमोट करने के लिए उसका कलेक्शन, उसका स्टरलाइजेशन और उसकी पैकेजिंग हमने प्रारंभ की है। और आज से हम इसका वितरण आउटलेट्स में भी करने जा रहे हैं। और सभी नागरिकों से, सभी से निवेदन है कि वे इस दूध का उपयोग करें, इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये न केवल प्रोटीन और हमारी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, बल्कि उसके अतिरिक्त इसमें कुछ औषधीय गुण भी हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।